तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने फ़ोन के अंदर से आपका जो फिंगरप्रिंट सेटअप है गाइस, उसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने अपने फ़ोन के अंदर मल्टीपल फिंगरप्रिंट ऐड करके रखे हैं अपने दोस्तों के अपने, तो उनमें से अगर कोई भी फिंगरप्रिंट आप डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ आप हमारे चैनल को लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले गाइस, यहाँ से हम करते हैं सेटिंग पर क्लिक। तो यहाँ पर मैंने लिया सेटिंग पर क्लिक। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स का, इस पर आपको करना है टैप। इस पर टैप करने के बाद गाइस, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि आपका फिंगरप्रिंट, तो इस पर हम कर लेते हैं क्लिक। इस पर क्लिक करेंगे तो गाइस, आपका जो स्क्रीन लॉक है गाइस, वो आपको डाल देना है। पर डालने के बाद गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो फिंगरप्रिंट वन हमारा ऐड होकर रखा है। अगर यहाँ पे आपके किसी दोस्त के फिंगरप्रिंट ऐड हैं या फिर आप अपना फिंगरप्रिंट भी डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सामने डिलीट का एक बॉक्स देखने को मिलेगा, इस पर आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद गाइस, डिलीट फिंगरप्रिंट आपको कर देना है डिलीट। तो ऐसे करके आप अपने फोन के अंदर से फिंगरप्रिंट डिलीट कर सकते हैं। तो गाइस, आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो गाइस, आप हमारी वीडियो कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो गाइस, मैं मिलता हूँ कि आपसे फिर किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।